सो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि ट्रेस दी पैराबोला, ये अपन को इक्वेशन दे रखी है, अपन को फोकस फाइंड आउट करना है इस पैराबोला का। तो यहाँ पर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन और ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो जो इसमें जो सेकंड डिग्री टर्म्स होगी ये एंड ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो यहाँ पर तुम सिंपली देख सकते हो ये 3x-4y का होल स्क्वायर है, तो सेकंड डिग्री टर्म्स यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, मीन्स ये पैराबोला है। तो यहां से अपन ने कंफर्म किया कि ये पैराबोला है। एंड फिर आगे इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 3x-4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18x+101y-19, इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ मैं, जिससे मैं बताऊंगा उसका क्या करना है बाद में। तो यहाँ पे मैं आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने लैम्डा यहाँ पे ऐड किया, तो इधर क्या करना पड़ेगा अपन को, इधर तुम ध्यान से देखोगे तो अपने पास 18x+101y-19 तो है ही, उसके साथ अपने पास यहाँ पर ये लैम्डा की ऐड करने की वजह से जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएगी वो इधर भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी आएगी, 6 लैम्डा x आएगा, -8 लैम्डा y आएगा, एंड यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक टर्म आएगी अपने पास लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18+6 लैम्डा x एंड +101-8 लैम्डा y +λ² -19, इस तरीके से आएगा। अब इसको ऐड करने का पर्पस क्या है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक लाइन यहाँ पर 3x-4y+λ=0 बन रही है, अगर अपन एक ये देखे, और जो सेकंड लाइन है वो इधर से आ रही है, 18+6 λ x + 101-8 λ y + λ² -19 = 0। ये दो चीज है, मैं क्या करना चाहता हूँ इसको और इसको परपेंडिकुलर करना चाहता हूँ। तो इसकी स्लोप देखो, तो इसकी स्लोप मेरे पास 3/4 है, और इधर से मैं इसकी स्लोप देखो तो क्या होता है, -b/a, तो मीन्स यहाँ पर उसका कहने का क्या मतलब है, इसकी स्लोप अगर तुम देखोगे तो ये चीज आएगी तुम्हारे पास, तो ये इस लाइन की स्लोप है एंड ये इस लाइन की स्लोप है, तुम इजीली निकाल सकते हो। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको परपेंडिकुलर करना चाहता हूँ, तो परपेंडिकुलर तो इनकी प्रोडक्ट, इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए, और वो किस लैम्डा की वैल्यू के लिए होगा वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये कैंसिल हुआ, इधर अपने पास आएगा 54+18λ = 404-32λ। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 50λ = अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, इसको अगर अपन चेक करें तो 350, तो लैम्डा की वैल्यू 7 आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 7 के लिए जो ये लाइन होगी एंड ये लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी। तो अब मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको एक फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास बन गया 3x-4y+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरीके से 16x+45y+30। तो यहाँ पर अगर अपन पुट करके देखें तो 40 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करूंगा तो 42+80 यहाँ पे 60 बनेगा, तो 60x यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो अपने पास 45y बच जाएगा, और इधर 7 पुट करेंगे तो 49-19 30 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। सो मेरे पास इस तरीके से बना। अब इसको भी यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x-4y+7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 15 को कॉमन ले लूँ तो ये 4x+3y+2 बन रहा है इस तरीके से। और अब यहाँ पर देखे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो फॉर्म होती है मैं उसमें लाना चाहता हूँ। तो अगर 3x-4y+7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में यहाँ पर 3² + 4² करना चाहता हूँ। सो उस तरीके से करेंगे तो अगर इसको देखे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगर स्क्वायर कर देंगे तो अपन 25 हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखना यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, 3x-4y+7 / √25 2 and = 15 / 4x+3y+2 and = 25, ये 25 दोनों तरफ आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3x-4y+7
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 है और ये फोर, ये अपना 15 और नीचे जो अपने पास यहाँ पे बन रहा है 25, उसमें से मैं 5 बाहर निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास 4x+3y+2 एंड डिवाइड में यहाँ पर इसके 5 आ जाएगा। सो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही होगी कौन सी, जैसे y² = 4px, इस टाइप की अगर तुम फॉर्म से कंपेयर करो तो यहाँ पर जैसे अपने पास स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ये अपने पास ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पर अपने पास पैराबोला की बात कर रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर मैं इलिप्स क्यों बना रहा हूँ, पैराबोला बनाता हूँ। तो अपना y² = 4x टाइप का जो पैराबोला है वो इस तरीके का होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट अपना x, y अगर मैं लूँ तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरी किसके इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, और इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो ये तो मेरी क्या है, एक्सिस है, और ये मेरी टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ऐसे मैं बता सकता हूँ। और उस हिसाब से मेरी ये जो इक्वेशन है वो y² = 4ax आई है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो जो मेरी एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, तो एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास 3x - 4y+7 = 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई एक्स वाई पॉइंट था जिससे मैंने इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, किसी एक्स वाई से मतलब इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इसी तरीके से आएगा वो। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है और उसका स्क्वायर है, तो इसलिए मेरी एक्सिस ये हो जाएगी इस पैराबोला की, एक्सिस तो मेरी ये हो गई। यहाँ पे अगर 15/5 देखो तो 3 आ रहा है, और उसका इस 4p से कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3/4 आ रही है। तो इस तरीके से ये मेरे पास एक चीज आई। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो टेंजेंट एट वर्टेक्स अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये यहाँ पर ये जो एक्स आ रहा है ये यहाँ पर टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स यहाँ पर ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है, इस वजह से तो ये अपनी टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गई और ये अपनी एक्सिस आ गई। तो ये दो चीजें आ गई, और तुम्हें पता है कि इन दोनों को जब सॉल्व करता है तो अपने पास ये वर्टेक्स आता है, तो इन दोनों को सॉल्व करता है तो अपने पास एक इक्वेशन है 3x - 4y+7 = 0 एंड एक इक्वेशन अपने पास 4x+3y+2 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 12x - 16y+28 = 0 एंड यहाँ पे 12x+9y+6 = 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -25y+22 = 0, तो y = मेरे पास यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 22/25 आ जाएगा, और वैसे ही एक्स निकालोगे तो -29/25 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आई, ये तो मेरा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, तो वर्टेक्स आ गया मेरे पास। और तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पर ये अपना जो तुम्हें y² = 4x से कंपेयर यहाँ पर करूँ तो मैंने यहाँ पे पी लिखा है, तो वो पी की वैल्यू यहाँ पे 3/4 है, तो ये चीज है। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो जो ये स्टैंडर्ड वाला देखो तो ये जो लाइन है यहाँ पर ये x = 0 होती है अगर स्टैंडर्ड देखो, और ये यहाँ पर अपनी लैटिस रेक्टम होती है जो फोकस से पास करती है, जो कि टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल है, ऐसे तुम देख सकते हो। और अगर ये जो डिस्टेंस है वो अपन देखे तो एक इक्वल होती है, स्टैंडर्ड में ये 1,0 होता है, ये 0,0 होता है, ये डिस्टेंस एक इक्वल होती है y² = 4x के साथ अगर तुम चेक करोगे तो ये डिस्टेंस एक इक्वल होती है, और इस लाइन की इक्वेशन देखोगे तो x = p हो जाएगी। वैसे ही अभी अपने पास टेंजेंट एट वर्टेक्स यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये आई है, तो जो ये लैटिस रेक्टम होगी इस केस में जो है इसके पैरेलल होगी, और ये डिस्टेंस p के इक्वल होगी जो अभी अपन ने निकाली है 3/4, तो इसकी जो इक्वेशन है इसके पैरेलल है, और यहाँ पर बस ये 0 की जगह मुझे क्या करना है, 3/4 पुट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन हो गई, तो तुम्हें पता है कि जो अपना पैराबोला होता है तो यहाँ पर ये x = 0 होता है, क्योंकि ये सिंपली वो है वाई एक्सिस की इक्वेशन है, और जब यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो उससे जब अपन इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता है तो
फिर जैसे ये मान लो कि अभी तुम्हारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आई इक्वेशन, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किसी यहाँ पर किसी एक्स वन को मैं वाई वन पॉइंट के लिए निकालिए, सो ये डिस्टेंस एक्स वन के इक्वल हो जाएगी सिंपली। सो वैसे ही अपन क्या करेंगे कि अपना फोकस है, सो इस केस में अपन फोकस की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन ने टेंजेंट एंड वर्टेक्स की इक्वेशन निकाली, और फोकस के केस में ये जो डिस्टेंस अपन को पता है पी के इक्वल होगी यानी 3/4 के इक्वल होगी, सो ये अभी अपन ने निकाली 4x+3y+2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये जो फोकस है उसको अभी मैं एक्स को मैं वाई बोल देता हूँ, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है डिवाइडेड बाय 5, इस केस में ये 3/4 के इक्वल है, तो एक तो अपने पास इक्वेशन यहाँ से आई जो कि आएगी अपने पास यहाँ पर, अगर अपन चेक करेंगे तो मैं लिख देता हूँ 16x+12y-7=0, ये अपने पास इक्वेशन है, और एक अपने पास इस एक्सिस की इक्वेशन है, ये समझ लो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, इस लैटिस रेक्टम की, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पी हो जाता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि जैसे ये ए कोमा जीरो है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है एक्स इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो ए के इक्वल ही आएगी, इसके कहने का मतलब है। तो यहाँ पर अपन ने ये लैटिस रेक्टम की इक्वेशन निकाली, एक्सिस की इक्वेशन अपने पास है जो कि ये है 3x-4y+7=0, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है 3x-4y+7=0, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अपन को फोकस देगा, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास -14/25 एंड 133/100 आएगा, सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।